तो हेलो भाई लोगों, तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गाड़ी के बारे में जिसने काफ़ी समय तक इंडियन कस्टमर के दिलों पर राज किया था। तो मैं बात कर रहा हूँ टाटा सुमो गोल्ड के बारे में। तो इस कार को इंडिया में टाटा ने 1994 में इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद 2019 में आके इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिसके मेन रीज़न थे इसके अंदर आने वाला ख़राब इंजन और उसके ख़राब सेफ्टी की वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। पर यह गाड़ी 25 साल तक सेल पर रही थी। तो अब जाके इस गाड़ी का नया जनरेशन लॉन्च किया जा रहा है। तो हम मैं बताने वाला हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इस गाड़ी में क्या मिलने वाला है आपको न्यू जनरेशन के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाड़ी की लेंथ होने वाली है 1400 mm की और ब्रेथ है 1800 mm की और हाइट 1750 mm की देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसा कि आजकल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि टाटा अपनी गाड़ीज में बेहतरीन लुक्स, बेहतरीन डिज़ाइन के साथ गाड़ी को लॉन्च कर रहा है। तो इस गाड़ी के अंदर भी आपको बेहतरीन लुक्स और बेहतरीन डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम सामने से लुक की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का इसके अंदर मिलने वाला है, जैसे कि इसके अंदर टाटा की न्यू क्रोम ग्रिल के साथ साथ अपलाइन डोमिनेशन लुक्स मिलने वाला है और डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद डुअल DRL एलिमेंट के साथ फॉग लैम्प और LED हैलोजन दोनों के अंदर देखने के मिलेगा। और वहीं बात करें हम इसके रियर की, LED टेल लाइट क्लस्टर देखने के लिए मिलेगा, रियर वाइपर, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस और रिफ्लेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर R17 inch के प्रिसिजन कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे और ORBM ऑटोफोल्ड के साथ आएंगे और गाड़ी के अंदर ऑफ रोडिंग इन्हेंस करने के लिए हेडिंग का यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस गाड़ी के अंदर आपको दो इंजन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें पहला रहने वाला है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, इंजन 150 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा और दूसरा इसके अंदर आने वाला है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो कि 167 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा और 353 Nm का टॉर्क। और इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल ABD और नए LCA भी देखने के लिए मिल जाएंगे और मोर एक्सपेक्टेड इस गाड़ी के अंदर आपको 4x4 भी प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं बात करें हम इसके इंटीरियर की तो आपको इसमें डुअल टोन इंटीरियर देखने के लिए मिल जाएगा और टिल्ट बॉटम के साथ में स्टीयरिंग व्हील दिया जाएगा और एडोप्टिव माउंट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। और साथ में अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो आपको वैसा ही देखने के मिलेगा जैसा आपको नेक्सॉन के अंदर देखने के लिए मिलता है और साथ में 8.8 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी और सभी तरीके की कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो प्ले का, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ और ऑक्सिलरी और डुअल जोन AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। और इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने मिल जाएगा विद कीलेस एंट्री और बाकी चीज़ें जैसे आर्मरेस्ट, कप होल्डर, वायरलेस चार्जिंग जैसी प्रीमियर सारी चीज़ें देखने के लिए आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी, जो कि पुरानी वाली गाड़ी के में कहीं ना कहीं ये मिसिंग थी। और वहीं हम इसकी सेफ्टी के बारे में बात करें, क्योंकि पुरानी वाली गाड़ी में सेफ्टी एक मेन रीज़न था इसके डिसकंटिन्यू होने का, तो इसके अंदर आपको सारे सेफ्टी अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि 6 एयरबैग, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक, 3-pin सीट बेल्ट्स और ISO फिक्स के साथ आएगी और ABS, ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से इस गाड़ी की सेफ्टी आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड और बेहतरीन देखने के लिए मिल जाएगी। और वहीं हम इसके प्राइस और लॉन्च की बात करें तो ये आपको एस्टिमेटेड स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख रुपीज़ से होने वाली है। और वहीं हम इसके लॉन्च की बात करें तो ये आने वाले 2 साल के अंदर लॉन्च हो सकती है। तो ये था टाटा सुमो के नए जनरेशन के बारे में। तो आपको गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।